हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने उपमा तो कई बार खाया होगा। मैंने भी यूट्यूब पर उपमा की रेसिपी अपलोड की है। रवा या सूजी का उपमा, आटे का उपमा या ओकर पिंडी, ये रेसिपीज मैंने यूट्यूब पर डाली है। आपने जरूर देखी भी होगी और बनाई भी होगी। पर आज हम बनाएंगे एकदम ही यूनिक, हेल्दी और टेस्टी चने की दाल का उपमा। जी हाँ, यह उपमा एक महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है, जिसे वाटली दाल भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में इसे कई बड़े त्योहारों पर बनाने की परंपरा है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चने की दाल का उपमा बनाने के इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी सारी रेसिपीज सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। चने की दाल का उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, राई, नमक, शुगर जो कि ऑप्शनल है, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, हींग, हरी मिर्च, हरा धनिया। एक कटोरी चने की दाल को मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। और तेल हमें चाहिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम चने की दाल का पानी निकाल देंगे। गर्मी के दिन है तो 2 घंटे में भी दाल अच्छी तरह भीग जाती है। अभी बारिश का थोड़ा ठंडा मौसम है, इसलिए मैंने इसको 4 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। और पानी निकालने के बाद हम इस दाल को मिक्सर जार में ले लेंगे। अब हमें इसे पीसना है मिक्सर में, एकदम बारीक नहीं करना है, हल्का सा इसे दरदरा रखना है हमें। थोड़ा सा मिक्सर चलाने के बाद हम इसको एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे, और फिर से हमें इसको थोड़ा सा पीसना है, पर एकदम बारीक पेस्ट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दाल की टेम्परिंग के लिए मैंने बड़ा चम्मच तेल गरम किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई डालेंगे हम इसमें। राई फूटने लगी है, गैस को थोड़ा धीमा कर देते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है और पाचन की दृष्टि से हींग अच्छा होता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा 1/2 टीस्पून ऑलमोस्ट, और डालते हैं हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अभी 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें ये हमारी पीसी हुई दाल, सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। दाल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार हम इसमें मिलाएंगे, और शक्कर मैं इसमें डाल रही हूँ। महाराष्ट्रीयन रेसिपी में शक्कर डाली जाती है, स्वाद के लिए थोड़ी सी शुगर मैं मिला रही हूँ, ऑप्शनल है, आपको इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और सबको मिक्स करके हम इसको थोड़ा सा ढक के रखेंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको एक हमें बाफ लेनी है, बाफ से हमें इसे पकाना है। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर से ये दाल हमारी पक जाएगी। इसको हम ढक के रखते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अब 3 मिनट हो गए हैं, इसको हम खोल लेते हैं। इसमें अब हम 1 चम्मच तेल ऊपर से फिर से डालेंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा मेंटेन होता है, और ये खाने में बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। 1 चम्मच तेल हमने पहले डाला था, 1 चम्मच तेल ऊपर से डालेंगे, मिक्स कर देते हैं, और थोड़ी देर हमको इसे फिर से 2 से 3 मिनट और पकाना है, जिससे कि दाल का सारा कच्चापन निकल जाए और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब 3 मिनट और हो गए हैं, इसको
हमारी दाल एकदम रेडी है, ये एकदम खिली खिली भी हो गई है और सॉफ्ट भी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसको हम ऊपर से ड्राई कोकोनट से गार्निश करेंगे। इसकी प्लेटिंग करते हैं अब हम। ये हमारा हेल्दी और टेस्टी चने की दाल का उपमा तैयार है। इसे गरम गरम भी खाया जाता है और ठंडा करके भी खाया जाता है। इसे ताजे आम के अचार के साथ या ग्रीन धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाया जाता है, और गर्मी के दिन हो तो इसे ताजे दही के मट्ठे के साथ सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, तो आज से ट्रेडिशनल उपमे के साथ साथ ये नया हेल्दी चने की दाल का उपमा रेसिपी भी आपके ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।